न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। गिरिराज सिंह ने कसा तंज, कहा जो कहेगा वो गोली खाएगा, यही है बिहार सरकार। जी हाँ, बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के लाठी और गोली चलाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है जो कहेगा वो गोली खाएगा, यही है बिहार सरकार। केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ है, फिर से नीतीश कुमार का दुर्भाग्य भरा सौभाग्य है कि उनके ही समय में जंगल राज आया है। जी हाँ, उन्होंने जारी वीडियो में आगे कहा है कि जब उनके मंत्रियों द्वारा कहा जाता है जो करेगा वह गोली खाएगा, इसका मतलब है कि कोई बिजली, पानी, राशन, अपना अधिकार और अपना हक नहीं मांगे, यही बिहार सरकार है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि बुधवार को बिहार के कटिहार में बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा चलाए गए गोली से 2 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुरुवार को ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जब बदमाशी करेंगे तो लाठी और गोली चलती ही है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री विरोधियों के निराशे पर आ गए। विपक्ष की एकजुटता पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कसा तंज, कहा एक दूसरे से नफरत करने वाले कुटुंब की तरह आ रहे हैं साथ। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष की एकजुटता पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को विचारधारा से नफरत करते थे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे, वही आज कुटुंब की तरह एक हो गए हैं। जी हाँ, सिंधिया ने कहा कि विपक्ष परेशान है और इसलिए जो पार्टियां एक दूसरे से नफरत करती थी, एक दूसरे को सामना नहीं कर पाती थी, वे अब एक परिवार की तरह एक साथ आ रही है। हमें विश्वास है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर भरोसा है। तीसरी बार भी जनता भाजपा सरकार को चुनेगी। जी हाँ, गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जिनकी विचारधारा में अपवित्रता हो वही लोग आज देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि जिस सोच और विचारधारा को स्पष्ट रूप से देश और जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है, वही सोच और विचारधारा का विपक्ष बार बार प्रस्तुतिकरण कर रहा है। इस देश में विकास और प्रगति के नए आयाम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच और विचारधारा जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण, इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर सेवा भाव की सरकार है जो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। बौखलाए हुए विपक्ष जो एक तरीके से खलबली मच चुके हैं क्योंकि लोकतंत्र का पर्व पास आ रहा है। जो दल एक दूसरे से नफरत करते थे, जो एक दूसरे चेहरा नहीं देख सकते थे, जो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, वह सब एक कुटुंब की तरह इकट्ठा हो गए हैं। हम पूर्व विश्वास है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर है। भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों की ईडी करेगी जांच, विधानसभा प्रश्नोत्तर काल में डिप्टी सीएम ने दिया जवाब। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राज्य गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में जवाब दिया है। शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर रोहित पवार के सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि स्कूल शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेजा जाएगा। जी हाँ, रोस्टर अपडेट न करवाने वाले संस्थानों की वित्तीय सहायता होगी बंद। फडणवीस ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों की केंद्रीय कुल भर्ती पर भी विचार करेगी और उन संस्थानों को वित्तीय सहायता बंद कर देगी जो अपने रोस्टर को अपडेट नहीं करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड को जोड़ने से फर्जी छात्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि स्कूलों को छात्रों की संख्या के आधार पर सरकारी सहायता दी जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों में कम से कम 50% अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों का ढंड एंड टू एंड डिजिटली करने के निर्देश दिया जाएगा। जी हाँ, फडणवीस ने कहा कि नासिक में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर शिकायत ईडी को भेजी जाएगी। अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। फडणवीस ने कहा कि 2007 और 2011 से संबंधित यानी भ्रष्टाचार के कई मामले में उन्होंने कहा है कि विभाग में समस्याओं में से एक ये है कि एक बार 9 महीनों के निलंबित का सामान समाप्त हो जाने पर अधिकारी को केवल शिक्षा अधिकारी के रूप में वापस लिया जा सकता है, कोई अन्य पक्ष पोस्टिंग में नहीं है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्श अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।